हाँ भाई, यानी क्या सीन चल रही है इन लोगों का? मतलब फुल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, फुल सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस मिल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो है खबर चली कि इमाद वसीम ने जो है रिटायरमेंट वापस ले लिया। इमाद वसीम स्क्वाड में आ रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलने की तैयारियां कर रहे हैं। फिर एक और खबर चली कि अनदर किंग इज रिटर्निंग। मैंने कहा अब ये कौन सा किंग हो सकता है? फिर मेरे दिमाग में आया लॉर्ड उमर अकमल भी तो हो सकते हैं, कि वो हरी वाली जो है लिपस्टिक लगा के सनस्क्रीन लगा के मालिक आ गए कि मैं भी छक्के मारूंगा। कामी भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि कामी भाई ने तो कभी आज तक रिटायरमेंट ही अपनी ऐलान नहीं की। मैंने फिर दिमाग में मैंने कहा शोएब मलिक भी तो हो सकते हैं, क्योंकि शोबी भाई की बड़ी खतरनाक सेटिंग है। फिर मैंने कहा नहीं, ये भी नहीं हो सकते, शानू द किंग है। बाद में पता चला मोहम्मद आमिर वापस आ रहे हैं। मोहम्मद आमिर वापस आ रहे हैं, मतलब फुल स्टार प्लस वाला सीन चल रहा है, फुल कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, फुल पार्वती और तुलसी वाला सीन चल रहा है कि दिवाली दिवाली स्पेशल के ऊपर जो है वो तुलसी का एक्सीडेंट हो गया, तुलसी मर गई। 4 साल तक तुलसी का अता पता नहीं, कुछ नहीं पता तुलसी जिंदा है कि मर गए। फिर एकदम से नवरात्रि स्पेशल के ऊपर तुलसी रिटर्न्स, तुलसी वापस आ गई नए चेहरे के साथ। मतलब दे रिटर्न व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। यहां से इमाद वसीम ने कहा कि जानी मैं भी अवेलेबल हूँ, वहां से आमिर ने कहा कि उस्ताद मैं भी अवेलेबल हूँ, मेरे को वर्ल्ड कप खिलाओ। अब इसके अंदर उमर अकमल आके बोलने के मालिक मेरे को भी तो अंदर लो, मुझे भी तो आना है खेलने के लिए, मैं अपने होठों पे जो वो ग्रीन वाली सनब्लॉक लगा के छक्के मारूंगा, जो वो एक आया था ना एरो उमर अकमल का बीच में ऑस्ट्रेलिया को पेलते थे पकड़ के। उसके बाद अहमद शहजाद कह रहे हैं कि उस्ताद इतना खर्चा हो रहा है तो फिर मुझे भी ले लो, मुझे भी यूएसए का टूर मारना है। अजीब सा सीन है। अच्छा मैं ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शाहीन आफरीदी जो है ना इस तरह से इन लोगों को बोल देगा कि मालिक तुम वापस आ जाओ। क्योंकि हमने क्या सोचा हुआ था, हमने ये सोचा हुआ था कि बाबर आजम ता हयात कैप्टन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बाबर आजम हटेगा तो रिजवान या शाहीन बनेगा, क्योंकि बाबर आजम और शाहीन काफी क्लोज हैं, क्योंकि शाहीन फैमिली फैमिली का काफी स्टेटस शेयर करते थे ना कि फैमिली वी आर फैमिली। मैंने कहा ये कभी बुलाएगा ही नहीं। शाहीन ने कहा इनको कि भाई तुम तो साइड हो, मैं अपनी बचाऊं, वर्ल्ड कप में गालियां मुझे पड़ेंगी। शाहीन ने इमाद वसीम को कॉल की कि हाँ भाई आओगे आओगे खेलने आओगे। फिर आमिर को कॉल की हाँ भाई आ रहे हो खेलने आ रहे हो। और पीछे से हो गया, अब लड़कों को ना अब टेंशन लगी हुई है कि ये वही वाला सीन है कि यूनिवर्सिटी वाला होता है ना कि पहले सेमेस्टर में सारे साथ होते हैं, बाबर शाहीन रिजवान आमिर इमाद सब एक थे, फिर दूसरे सेमेस्टर में फड्डे होते हैं, दूसरा तीसरा चौथा सेमेस्टर फड्डे में निकल जाता है, पांचवा छठा सातवां फिर फड्डे में निकल जाता है, आठवें सेमेस्टर में टीचर कहते हैं बड़ा प्रोजेक्ट है 16 बच्चों की टीम बनेगी, तो उसमें सबको वापस आना होता है कि मालिक अब तो हाथ मिला लो, अब तो ग्रुप प्रोजेक्ट है, अब तो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, अब सारे साथ। ये वापस हो गए, साथ वापस हो गए, होलसमनेस की हद नहीं, कोई होलसमनेस की हद नहीं। इस वक्त जो है आमिर सन्स जो है वो बाबर आजम को भी किंग कह रहे हैं, बाबर सन्स जो है वो आमिर को किंग कह रहे हैं, शाहीन को पूरा पाकिस्तान किंग कह रहा है, मतलब सारे इस वक्त किंग बने बैठे हुए, फड्डा हो ही नहीं रहा, ये क्या चल रहा है। इसके अंदर एक रील निकल के आई मेरी, पिछले साल में किसी पॉडकास्ट में गया था, उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त मुझे लग रहा था इनका काफी याराना चल रहा है, उस वक्त हारिस रऊफ नसीम शाह शाहीन वाहीन फुल कड़क चल रहे थे इंजरी से पहले, नसीम और शाहीन की इंजरी से पहले, और बाबर आजम फुल चौड़े में थे, रिजवान भी फुल लेग के लप्पे दे के छक्के कर रहा था रिटायर। मैंने बोल दिया, मुझसे उसने पूछा कि आमिर वापस आ रहा है इस वर्ल्ड कप, मैंने कहा नहीं आ रहा, वो वर्ल्ड कप वैसे खेला भी नहीं, और मैंने भी आपकी तरह मैंने भी ये एक्सपेक्ट किया था कि आमिर अब कभी नहीं आएगा। और सर जी उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, मुझे क्या पता था वो रिटायरमेंट वापस ले लेगा। तुमने कभी एक्सपेक्ट किया था मोहसिन नकवी चेयरमैन बन जाएंगे, मोहसिन नकवी चेयरमैन बन जाएंगे, तुमने कभी सोचा था? मैंने तो नहीं सोचा था। अभी वो परसों बेचारे वो शहरयार खान साहब, उनका भी इंतकाल हो गया जो फॉर्मर चेयरमैन थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तुमने एक्सपेक्ट किया था कि शहरयार खान इस तरह चले जाएंगे? अबे भाईजान कुछ भी, इस वक्त कुछ भी हो सकता है, इस वक्त कुछ भरोसा नहीं। 2 महीने बाद मैं यूएसए में बैठा हूं, मेरा खुद का वीजा लगा हुआ, कुछ नहीं पता। अच्छा उसके ऊपर से एक और अजीब सी खबर आ गई है, मोहसिन नकवी ने बोला है कि शाहीन आफरीदी की कैप्टेंसी हम तब डिसाइड करेंगे जब वो अभी काकुल जा रहे हैं ना, सारे काकुल भेज देना सबको, जाओ बेटा फिटनेस टेस्ट करो, उसमें बाबर रिजवान शाहीन साइम आमिर इमाद सब सबको भेज दिया, सबको जाओ तुम सब जाओ। वो कह रहे हैं कि अगर शाहीन इसमें फिट होगा तो वो फिर वर्ल्ड कप की कैप्टेंसी करेगा, मतलब अगर वो फिट नहीं होगा तो फिर वर्ल्ड कप की कैप्टेंसी कौन करेगा। एक और खबर उड़ के आ रही है कि बॉब्जी द किंग को कैप्टनसी दी जा रही है, अगर शाहीन फिट नहीं होगा तो बॉब्जी द किंग जो है वो कैप्टनसी करेंगे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ा हूं बाबर, बड़ी मुश्किल से तेरी बैटिंग वापस आई है, बड़ी मुश्किल से तेरा स्ट्राइक रेट ऊपर गया, बड़ी मुश्किल से तेरा एवरेज ओके हो गया, ओपी चल रहा है तू, अगर तुझे कैप्टनसी दें तू मना कर दियो, बोल दियो मैं नहीं कर रहा मेरा लेवल ही और है, बोल दियो मेरा लेवल ही और है, मैं कैप्टनसी नहीं, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ा हूं, रिजवान को दे दियो, रिजवान को बल्ली रिजवान पर डाल देंगे, तू भाई अल्लाह के बंदे तू बैटिंग कर ले, मुझे वर्ल्ड कप में बड़ी उम्मीद है, मैं बड़ी आस लगा के बैठा हूं, कैप्टेंसी दे बॉबी कैप्टेंसी मत लेना, मना कर देना, बोल देना मैं नहीं आ रहा, मैं बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा हूं, मिला के यूएसए में छक्के कराइयो, सबको कटा दियो साइड में। अब आपस की बात यार, इन सब चीजों में ना मुझे एक डर भी है, मुझे डर ये है कि कहीं आमिर की इस वर्ल्ड कप ठुकाई ना हो जाए, आमिर की और इमाद की, क्योंकि जब होगी ना तो जो लोग इनको आज सर पे चढ़ा रहे ना ये लोग इसको उस पर गिराएंगे भी। सेम गोज विद बाबर, सेम गोज विद रिजवान। देखो अब ये है सीन कि मैं भी अपने आपको बड़ा कंट्रोल करके बैठूंगा इस वर्ल्ड कप। देखो आमिर का सीन ये होगा कि आमिर
वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट बॉलर है, अच्छी है, स्किल सेट अभी बहुत अच्छा आमिर का ये हो, लेकिन जिस दिन आमिर को स्विंग नहीं मिलेगी ना, जिस दिन नहीं मिलेगी उस दिन आमिर को बहुत काम उतरने वाला है। और आमिर का सीन अब आपको पता नहीं, आमिर का पट्टे बड़े खींचते हैं यहाँ पे, हैमस्ट्रिंग आमिर का बड़ा खींचता, तो आमिर को भी बड़ा मैनेज करके खिलाना पड़ेगा। वर्ल्ड कप के सारे मैच आमिर को दे नहीं सकते, इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे जो आप आमिर को दोगे, और नहीं तो अगर ये इंजर हो गया ना तो फिर काम और खराब हो जाएगा, क्योंकि इसको जिस काम के लिए लेके जाया जा रहा है ना, ये वो काम करने से पहले गिरना नहीं चाहिए, इसको सीधा सीधा सुपर एट के लिए और इसको इंडिया वाले मैचेस के लिए आमिर को जो है ना रखा गया है, क्योंकि आमिर इज वेरी इफेक्टिव। लेकिन दुआ करोगे भाई स्विंग विंग अच्छी मिल जाए, जिस दिन नहीं मिलेगी उस दिन आमिर की बड़ी पिटाई है। इमाद वसीम का भी यही सीन है, इमाद वसीम किसी एक आधा मैच जो है ना बहुत मार खाएंगे, तो आप लोगों को जो है ना थोड़ा हौसले में थोड़ा तहमुल से बैठना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि भाई कुछ कर जाए, नहीं तो अगर कुछ बैड सीन हो गया ना तो फिर हमारे लिए बड़ा बैड सीन हो जाएगा। अच्छा अब अपनी बात जो है मैं एक शेर पे खत्म करना चाहूंगा कि मिटाओ सारी नफरतें, रोला क्या है बॉस मैंने आपको बोला क्या है, और मिट गई सारी नफरतें, अब प्यार बांटेंगे, ट्रिमर लाओ इसके बाल काटेंगे। मतलब देखो अब आमिर भी आ गया है टीम में, अब इमाद भी आ गया है, बाबर तो है ही, शाहीन भी होगा। अब आपने इन सबको देखो, इमाद वसीम से हमारे लाख इख्तलाफात के भाई, इस तरह से अब लीग्स को आपने प्रेफर कर लिया टीम के ऊपर, और आमिर से भी के भाई तू टीम छोड़ के चला गया फटे फटे। अब देखो अब तो अब लग गया ना स्टार, लग गया ना पाकिस्तान का स्टार लग गया, अब आपको वर्ल्ड कप में सपोर्ट करना पड़ेगा, अब आपको फड्डे वड्डे जो है यहाँ थोड़े दिनों के लिए फड्डे निपटाने पड़ेंगे। वही वाला सीन है कि फ्रेंडशिप रिगेन्ड विद इमाद एंड आमिर, नाउ बाबर इमाद एंड आमिर आर ऑल माय बेस्ट फ्रेंड्स, वही वाला सीन है। शाहीन ने कहा जानी वापस आ जाओ, बल्ली आई हुई है खतरनाक वाली, वर्ल्ड कप निकालने, क्योंकि वर्ल्ड कप गड़ गया ना तो फिर शाहीन को गाड़ देंगे लोग पकड़ गए यहाँ पे। तो अब देखो अब जब तक ये है टीम में, अब आपको इनको जो है ना जानी सपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी है जैसा भी था, जो हो गया वो हो गया, अब ये है मिट्टी पाओ वाला सीन है, जो हो गया वो हो गया, वर्ल्ड कप आ रहा है जानी सर पे खड़ा हुआ, वर्ल्ड कप में सपोर्ट करना है। देखो सेमीफाइनल तक पहुंचवा दो, उसके बाद देखी जाएगी, उसके बाद तो अल्लाह भरोसे होता है ना सारा मैच। ऐसा ना हो कि हम फिर इस बार टीम के वेट कर रहे हो कि भाई ये हार जाए तो हम ऐसे पहुंच जाए, या वो जीत जाए इससे और ये इससे हार जाए, तो ऐसा नहीं। इस बार सीधा सीधा सेमीफाइनल डायरेक्ट क्वालिफिकेशन चाहिए मुझे, कि सुपर एट में गए फिर डायरेक्ट सेमीफाइनल खेल लें, नहीं तो बैड सीन हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो जो भी फड्डे थे आपके, आमिर से फड्डे थे, इमाद से फड्डे थे, बाबर से फड्डे थे, रिजवान से फड्डे थे, शाहीन से फड्डे थे, वो अभी आप थोड़े दिनों के लिए निपटा दो। ठीक है, अभी ये सब काकुल जा रहे हैं, उसमें से फिर सिलेक्शन हुई ना टीम में कौन खेल रहा है, तो ये जब वर्ल्ड कप होगा ना तब देखी जाएगी। अभी लड़के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं तो आपने इनको सपोर्ट करनी है। ठीक है, जब फड्डे होंगे ना तो मैं स्टार्ट करूंगा, बेफिक्र हो जाओ, फड्डे मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी इन सबको छोड़ दो।